हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। आप सबका दिन बेहतरीन जाए। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कैसे हो बताएं ज़रूर मुझे। तो देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग क्या सोच रहे हो आपके बारे में, उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, क्या चीज़ आज उनका प्लान्स है आपको लेकर। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। टाइम ले से कभी भी इस रीडिंग को आप वॉच कर सकते हो। यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए, ठीक है। यूनिवर्स को प्रे करके इस रीडिंग को वॉच कीजिए। तो क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, उनके फीलिंग्स आज मॉर्निंग में, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, मैं सर देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ पर कोई लेट को कर रहा है या किसी ने कर लिया है, कोई किसी के लाइफ से चले गए हैं। चांसेस है ये पर्सन आज आपसे दूर हैं, इन्होंने लेट को कर लिया है, या तो आप इनसे लेट को कर रहे हो, ठीक है। अब आपको भरोसा नहीं है इनमें या इस रिश्ते में। आपको इस पर्सन ने काफ़ी टेंशन दिया है, एंजाइटी दिया है, बर्डन दिया है। ये किसी और के कंट्रोल में है ऐसा आपको फील कराया है, या इन्होंने कहा है कि इनकी खुद के लाइफ पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, ये कहीं और कंट्रोल्ड हैं, किसी और रिश्ते में हैं, किसी और के साथ हैं, ऐसे पर्सन के साथ हैं जो कि इनको कोई और डायरेक्शन बता रहा है, कोई और कुछ और कराना चाहता है लव रिलेशनशिप में, ठीक है। कोई आपके रिश्ते के खिलाफ है और कोई है आपके पार्टनर को कोई और रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें और करना चाहिए, तुम्हारे पास और अच्छी चॉइसेस है, ऑप्शंस है, उसको देखो इसमें क्या रखा है जो तुम्हें इतना टेंशन दे रहा है आज। तो सोचो आगे जाकर और क्या कुछ नहीं देगा, ठीक है, जबकि टेंशन यही लोग दे रहे हैं। अब दोनों के बीच तो प्रॉब्लम हो ही सकता है, पर ये लोग भी कुछ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अदर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर सुबह सुबह मुझे टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने लेट गो क्यों किया, अगर इन्होंने आपसे लेट गो किया तो क्यों मैंने मैच्योरिटी के साथ हैंडल क्यों नहीं किया, जो लोग इनको कंट्रोल करते थे या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल था, तो क्यों मैंने मैच्योरिटी के साथ हैंडल नहीं किया, क्यों मैंने भरोसा नहीं किया अपने रिश्ते पर, अपने पार्टनर पर, इस रिश्ते पर, खुद पर कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, क्यों मैंने उसका साथ नहीं दिया, क्यों मैंने उसका साथ छोड़ दिया, क्यों मैंने उसे छोड़ दिया, किसी और से शादी कर लिया, ऐसा कुछ चांसेस है अगर इन्होंने किया है तो। क्योंकि कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। मैंने क्यों नहीं किया, इस वाले एनर्जी में देख पा रही हूँ आपके पर्सन को। चलिए सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, ऑल साइंस आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई मेरे व्यूवर्स हैं जो कि लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो इनको कह दिया आपने कि अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, या मेरी शादी कहीं और होने जा रही है, या अब मैं कहीं और इन्वॉल्व हूँ, या मैं आपने ना दिखा दिया कि आप आगे बढ़ सकते हो, इनके बिना भी ज़िंदगी जी सकते हो। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो इनको एक बड़ा टेंशन दे दिया है, ये काफ़ी फियर में है, ये काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि सच में आप लेट गो ना कर लो, सच में आप आगे ना बढ़ जाओ इनसे, आप किसी और के ना हो जाओ, इनको फियर हो रही है, ठीक है। अगर ये पर्सन पास्ट के हैं तो आपने इस पर्सन को काफ़ी मैच्योर बनाया है आपने इस रिश्ते ने, इनके सिचुएशन ने, ये कभी आपको लेकर काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, अब काफ़ी कूल एंड काम हो चुके हैं, यानी कि इनका एनर्जी शांत वाली है, ठीक है, लाइफ को लेकर। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है गुड हेल्दी वे में आपसे बात कर सकते हैं,
या आपका किसी तरह का हेल्प करेंगे, या तो किसी बहाने से आपको कांटेक्ट करेंगे कि मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारा, मेरे रिश्ते को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर, या किसी बहाने से ना ये व्यक्ति आपको आपसे बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आपके पास्ट से हैं, जिन्होंने लेट बुक किया था, ठीक है, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो खोना नहीं चाहते, वो दोबारा से चाहते हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ किसी बहाने से कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, सोच रहा है क्या बहाना बनाऊँ, किस बहाने से करूँ या किस बहाने से मीटिंग करूँ। यूनिवर्स बताए मुझे आज के दिन इन दोनों के बीच क्या कुछ हो सकता है, क्या चांसेस है होने का। सबसे पहले मुझे इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्लियर कीजिए, मुझे कुछ कार्ड्स को लेकर क्लियर कीजिए, लेटिंग वो को क्लियर कीजिए, क्या इनके पार्टनर लेट गो कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर करेंटली लेट गो कर रहे हैं। रीज़न यहाँ पर फैमिली हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं और पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, किसी और के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं, या अपना अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, फैमिली पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, पर आपको भी याद कर रहे हैं। ये कई लोगों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, इस पर्सन ने ठाना है जो सिचुएशन आप दोनों के लिए पेनफुल है, हर्टफुल है, उससे बाहर निकलना है, इनको बाहर निकालना है। आपको प्यार करते हैं, आपको फैमिली को और कैरियर, तीन चीज़ों को ये व्यक्ति साथ में लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनकी फैमिली जिसमें फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हैं आप, और इनका कैरियर, ये व्यक्ति इन चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, ये किसी को नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा एनर्जी मिला है, और कुछ लोग के लिए आपके पार्टनर आपको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पर ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, ये तो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। ये यूनिवर्स क्लियर कीजिए मुझे ये किसकी एनर्जी है, कौन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस में है। ओके, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर स्ट्रेस में हो, आप मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आप काफ़ी रो रहे हो, परेशान हो, हाँ आप टेंशन में हो, आप हर्ट हो, बट आप काफ़ी स्ट्रांग हो, ठीक है। आप एक स्ट्रांग एनर्जी में हो, आप काफ़ी मैच्योर हो, आपको नज़र आ रही है क्लियरली, आप देख पा रहे हो कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, बट हो सकता है कि ये पर्सन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका बिहेवियर, आपके एनर्जी व्यक्ति को स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आप पूछताछ कर रहे हो कि इनको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, तो ये व्यक्ति आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा दूरियां जानबूझकर बना रहा है, जानबूझकर आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर आप क्लैरिटी मांगोगे, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर ये पर्सन कहीं पर गलत हो सकते हैं, कहीं पर गलत थे, और आप क्लियरली जान चुके हो, ठीक है, क्या सच है, क्या झूठ है, इन्होंने क्या किया है आपको ऑलरेडी पता है। तो आपके सामने आने से झिझक रहे हैं, डर है, फियर है, इनको काफ़ी स्ट्रेस हो रही है, ठीक है। क्या आसान नहीं होगी आपसे डील करना, आपसे बात करना, क्योंकि कुछ छुपाया था या आपको आपको अंधेरे में रखा था कि आपके साथ कुछ गलत किया है, आपसे डर रहे हैं ये पर्सन। आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है यहाँ पर, कोई एक यूनिवर्स बताए मुझे क्लियर कीजिए इस पर्सन की एनर्जी क्या है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है, सच कहूँ ना तो मुझे रीडिंग में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं। कुछ लोग ले ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर सबको साथ लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ने के इन्होंने ठाना है, क्योंकि किसी एक के भी बिना इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है, तो आपको आगे लेकर ही बढ़ना है, ठीक है। तो आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, और वहीं कुछ लोग मैं ऐसा देख पा रही हूँ ये प्रैक्टिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं।